गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज राजेश एंड एज यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑन इक्वालिटी इन सेविंग चैप्टर नंबर 1। इफ यू रिमेंबर इन आवर प्रीवियस वीडियो देयर वी सॉ द इक्वालिटी इन सम एस्पेक्ट, बट इन द अदर फॉर्म इन द अदर एस्पेक्ट we saw there is a huge inequality among the people. Our constitution, जो हमारा constitution है, ये equality और justice के बेस पे ही है, लेकिन फिर भी society में हम देखते हैं या हम country के और हिस्सों में देखते हैं कि आज भी हम कहीं ना कहीं on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of economical background, there is a huge inequality between the peoples. अभी एक बार हम समराइज कर लें कि हमने देखा क्या था। हमने देखा था काम का, उसके एम्प्लॉयर सुजाता, उनकी स्टोरी देखी थी कि क्वालिटी जो राइट टू वोट है, जहां पे काम का और उसके एम्प्लॉयर सुजाता सभी क्यू में खड़े हैं और सभी अपने इक्वलिटी इक्वल होकर के जो है डिलीवर कर रहे हैं एंड ईच वोट हैज वन वैल्यू। बट जैसे ही कांता की लड़की बीमार होती है, सो कांता पहले क्या करती है, फिनिश हर वॉक इन एम्प्लॉयर हाउस। पहले वो एम्प्लॉयर हाउस के घर में क्या करती है, हाउस काम को फिनिश करती है और वो कुछ एडवांस लेती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है, देयर इज सीसा अ ह्यूज ट्यूब, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, This was the government hospital. Then he thought that, तब वहाँ सोचते कि क्या उसके employee भी उनके बच्चे से क्यों में लगते होंगे, definitely not. तो यहाँ पे economical base पे हमें inequality दिखाई दे रही है। आपने कास्ट के बेस पे देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि यंग होते हैं, क्वाइट यंग होते हैं, पढ़ने जाते हैं, बट टीचर्स के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा उनको कितनी इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। इवन कि अदर बच्चे उनको क्लास के या बेंचेस के पीछे डोर के पास बैठना पड़ता है मैट को, और उस मैट को भी कोई टच नहीं करता, हाथ नहीं लगाता। साथ ही टीचर इनको इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि तुम जो है प्लेग्राउंड और स्कूल की सफाई करो इंस्टेड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। वो बच्चा है, परेशान है, और एक कपल स्टे कर चलता है, फॉर्चुनेटली उसके फादर देखते हो और स्कॉल करते हैं टीचर्स को, अपने बच्चे को ले जाते हैं। तो यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जो जुठन वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं उसमें इस बात का जिक्र करते हैं, और वो बहुत सारे इंसिडेंट हैं जुठन में, एक एग्जाम्पल आपके टेक्स्टबुक में दिया हुआ है। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की बात हम किए थे, जहाँ रिलीजन के ग्राउंड पे इनइक्वालिटी फेस करते हैं, अपॉइंटमेंट उनको नहीं मिल पाता है क्योंकि वो एक दूसरी कम्युनिटी से है। प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि आप अपने जो है नेम को चेंज कर लो, मिस्टर और मिसेस कुमार बन जाइए, क्योंकि डिग्निटी हर क्योंकि ऐसा करने से मना करते हैं। सो ये सब तो हम देखते हैं अपनी कंट्री के बारे में। हाँ, कंस्टिट्यूशन में भी हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट जो है दोनों चीज कर रही है, महिला के द्वारा भी आर्टिकल 15 अप्रोविएटेड कर दिया ना यहाँ पर, जो इक्वलिटी दे रही है, तो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोविडेंट करती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही इक्वलिटी को बढ़ावा देती है। इसके लिए दो तरीके गवर्नमेंट अप्लाई करती है, पहला है बाय लॉ के द्वारा, कुछ स्पेशल रेमेडीज दे करके। आपने रेजोल्यूशन देखा होगा कि ऐसे लोग जो बहुत दिनों से जिनको चांस नहीं मिला है, दबाए गए हैं, दलित हैं, उनको स्पेशल रेमेडीज देकर इक्वलिटी लाने का प्रयास करें। सेकेंडली कि गवर्नमेंट स्कीम बनाकर जो हाउसलेस है, घर नहीं है, इक्वलिटी देनी है उन्हें, उनका लाइफ थोड़ा सा अच्छा हो, जी सके। तो बहुत सारे स्कीम आप देखते हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना देखते हो, है ना, और राशन वितरण देखते हो, है ना, ये सब बहुत सारी चीज देखते हो ना, पॉवर्टी लाइन के नीचे वो जो राशन कार्ड है। साथ ही साथ
गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐसे स्कूलों में मिड डे मील जो तमिलनाडु शुरू होता है 2001 में, 2001 में सारे कंट्री में शुरू हो जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो ये तो हमारी कंट्री की बात है, हमारी कंट्री बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन आज जो हमारा पॉइंट है, हम दूसरे कंट्री यानी दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री के में भी इन इश्यूज को देखेंगे कि क्या वहाँ भी इक्वलिटी एक मेजर इशू है। सो हियर इशूज ऑफ इक्वलिटी, जो इक्वलिटी का समानता का मुद्दा है वो दूसरे डेमोक्रेसी में है या नहीं है, अगर है तो कैसे है, कुछ एग्जाम्पल्स देखें। सो अपार्ट फ्रॉम आवर कंट्री, हमारी कंट्री के अलावा भी मैंने अदर डेमोक्रेटिक कंट्री द इशू ऑफ इक्वलिटी कंटिन्यू टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटी स्ट्रगल, कितने हमारी कंट्री के अलावा भी बहुत सारे इन द वर्ल्ड, बहुत सारे वर्ल्ड में कंट्री हैं जिनका मैसेज जो कहता है कि कंट्री द इशू ऑफ इक्वलिटी समानता का वहां भी मुद्दा है, कंटिन्यू टू बी द की इशू मुख्य इशू है, मुख्य आपके शब्दों की इशू है, मुद्दा है अराउंड विच कम्युनिटी स्ट्रगल, जो उन कम्युनिटीज के चारों तरफ जो उससे अनइक्वलिटी को फेस कर रहे हैं या उनके लिए प्रॉब्लम है। देयर वाज अ मोमेंट, अब हम यहाँ देखेंगे यहाँ पे देयर वाज अ मोमेंट इन लेट 1950s, ये नोट कर लीजिएगा लेट 1950s 1950 के अंत तक, एक्चुअली डिस्कस अबाउट 1955 जब हम सिविल राइट एक्ट को देखेंगे। सो देयर वाज अ मोमेंट इन लेट 1950 टू पुश फॉर इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स, अफ्रीकन अमेरिकन एक्चुअली है क्या, ये हम डिस्कस कर रहे हैं यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वहां पे रेसेस के अकॉर्डिंग या जैसा ओरिजिन पे हम अफ्रीकन और अमेरिकन क्यों कहते हैं, तो अफ्रीकन अमेरिकन वो पीपल है जो अमेरिका में रहते तो हैं ब्लैक पीपल है जिनका ओरिजिन कहा है अफ्रीका में है, ये स्लेव थे दास थे, जहां पे अमेरिका जो है अफ्रीका से इनको अपना दास बना के लाया और उन्हीं के जो एंसेस्टर्स उनके जो जनरेशन हैं वे बन जाते हैं हमारे अफ्रीकन अमेरिकन, चूंकि इनका ओरिजिन कहाँ है अफ्रीका है तो इनको रेस और कलर पे यूएसए में काफी जो है अनइक्वलिटी फेस करनी होती है, बाय लॉ कानून के तहत भी उन्होंने रूल बनाया हुआ था अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए कि पहले कि पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस नहीं कर सकते थे या करते भी थे तो कोई वाइट पीपल अमेरिकन आ गया तो उसके लिए उस प्लेसेस को छोड़ देते थे, बस में ट्रेवल कर रहे हैं वो आगे नहीं बैठ सकते थे पिछड़े सीट पर बैठते थे, अगर कोई वाइट पीपल आ गया तो अपनी सीट को वो छोड़ देते थे अमेरिकन के लिए वाइट पीपल्स के लिए, इनके जो बच्चे थे बॉयज थे गर्ल्स थे इनके स्कूल अमेरिकन चिल्ड्रन से सेपरेट अलग होते थे, जहां अमेरिकन वाइट चिल्ड्रन पढ़ा करते थे वहां पे इनको अलाउ नहीं था, इनका एरिया भी एक स्लम एरिया में था, ये वाइट पीपल के एरिया में नहीं रह सकते थे और ये सभी बाय लॉ था, क्यों था क्योंकि इनका ओरिजिन अफ्रीका था और ये स्लेव थे, सो ये अनइक्वलिटी फेस कर रहे थे। अब ये अनइक्वलिटी आज भी देखते हो ना बहुत सारा न्यूज वगैरह पे आता है कि ब्लैक पीपल को अभी किसी ने हल किया था रशिया वगैरह उसमें है तो देख सकते हो उसमें, तो वहां पे इनके साथ बहुत ही जो है डिस्क्रिमिनेशन होती है। अब होता क्या है कि एक हम स्टोरी पढ़ेंगे रोजा पार्क, रोजा पार्क वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है रोजा पार्क, हु रिफ्यूज, अब थकी रहती है बस में आती है और थकी रहती है जाके बैठ जाती है, तभी उस बस में क्या करता है कि एक वाइट पीपल जो है इंटर करता है और ला क्या कहता है कि इसको
इसको सीट को छोड़ना होगा अमेरिकन के, वो थकी होती है, उसको लगता है कि ये नहीं ठीक है, तो वे जो है रिफ्यूज कर देती है, सीट को उठने से रिफ्यूज कर देती है। ये फर्स्ट दिसंबर 1955 की ये इंसिडेंट होती है, एक मेजर इंसिडेंट है, उसको पनिश भी किया जाता है, लेकिन साथ ही ये चिंगारी होती है, इंसिडेंट भी जो होती है, जो अमेरिका में सिरे राइट मोमेंट को स्टार्ट कर देती है, जो अमेरिकन जो अनइक्वालिटी फेस करते हैं अफ्रीकन अमेरिकन, वे अपने राइट के लिए मोमेंट चला देते हैं, और एक बहुत बड़े पैमाने में मूवमेंट चलता है, और 1965 में अमेरिकन गवर्नमेंट जो है सिविल राइट एक्ट जो है पास करती है, जिसके द्वारा इन सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सो कहता है ऑन दैट डे ए यूथ एजुकेशन अगेंस्ट द अनइक्वल। अब कहते हैं इसी 2005 की जो इंसिडेंट है, इसी दिन से एक यूथ एजुकेशन बहुत बड़ा मास हुआ है आंदोलन करने लगता है, किसके अगेंस्ट अनइक्वल रेस, इन अनइक्वल वे जो असमान जो है तरीके हैं इनके, इसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं कि एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, विच अफ्रीकन अमेरिकन एंड नोन एज सिविल राइट मूवमेंट, जो अफ्रीकन अमेरिकन ट्रीट किए जाते थे अनइक्वल वे के द्वारा, तो एक ह्यूज एजुकेशन के द्वारा एक सिविल राइट मूवमेंट जो है अमेरिका में यूएसए में स्टार्ट किया जाता है रोजा पार्क के इंसिडेंट होने के जस्ट बाद। द सिविल राइट एक्ट, अब इस मूवमेंट का क्या होता है, द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964, ये 1964 देखा है जो कि इस ईयर में ये एक्ट पास होता है, तो सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल रिलीजन, और ये एक्ट जो है किसी भी पर्सन के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड करता है, रोकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कलर क्या है और नस्ल क्या है या उसकी नेशनल ओरिजिन क्या है। अब इसका सेंस यही है, चलो बहुत तरीके से तो अनइक्वालिटी प्रोहिबिटेड होती है, अब अफ्रीकन बच्चे अमेरिकन स्कूल में जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये पूरी तरीके से अभी भी जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो भी कह सकते हो, हमारा जो फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इक्वालिटी और जस्टिस है, लेकिन हम देखते हैं कि हर जगह इक्वालिटी हमको नहीं मिल पाती है, कहीं ना कहीं हम किसी न किसी जगह पे अनइक्वालिटी फेस करते हैं। और भी वहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन लड़के हैं बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि पुअर हैं नहीं कर पाते हैं, तो मैक्सिमम आज भी अफ्रीकन अमेरिकन जो चिल्ड्रंस है वे वहां के गवर्नमेंट कम सुन रहे हैं कि जो इक्वालिटी है ये सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इन चैलेंजेस को कंट्रीज द्वारा फेस कर रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं डे बाय डे और ये चेंजेस होंगे। तो इस तरीके से आपका यह एक्सप्लेनेशन है ये ओवर होता है, अब हम डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन और आंसर, और इसी वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर एक बार देख लें फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस चैप्टर, of this chapter means on equality. Question number first is, I will take here, अगर आप चाहो तो आप इसको zoom करके अच्छी तरीके से देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। So एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि in a democracy, why is universal adult franchise important? एक लोकतांत्रिक देश में जो सार्वभौमिक मताधिकार है वो महत्वपूर्ण क्यों है? ओके, सो नाउ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने कुछ पॉइंट में आंसर लिखे हैं। नंबर वन,
it is based on the principle of principle of equality. ये जो इसका मूल आधार है वे क्या है, इक्वालिटी है, समानता है, जो हम शब्दों को देखे थे इस सूत्र में. सेकेंड, इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स वन हु इज 18 आर मोर देन 18 ईयर्स नोन एज एडल्ट पर्सन. पहले जो मैंने आपको बताया था 21 ईयर्स था, फिर ये हमारा 18 ईयर्स हुआ. सो इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट सिटीजन हैव द इक्वल राइट टू वोट. ये क्या कहते हैं कि सभी एडल्ट सिटीजन जो भारत का नागरिक है उसको समान अधिकार है वोट देने का. इट नंबर थर्ड, इट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड. यह किसी भी आधार पर, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो, इस बैकग्राउंड पे कभी यह किसी ने डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करता है, सबको इक्वल राइट प्रोवाइड करता है और देने का. इट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी और यह एक महत्वपूर्ण जो है एस्पेक्ट है किसी भी डेमोक्रेटिक, किसी भी लोकतांत्रिक देश की एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज रीरीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल. जो बॉक्स में आर्टिकल दिया ना 15, वो कैसे ट्रीट कर रहा अनइक्वालिटी को, वो आप क्वेश्चन नोट करें, आंसर मैं आपको बता रहा हूं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 टू एड्रेस इनइक्वालिटी. कैसे इनइक्वालिटी को वो एड्रेस करता है, प्रोविडेड करता है आर्टिकल 15. ये आप क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक से नोट कर लेंगे, आंसर ये है. आर्टिकल 15 इन डेमोक्रेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो आर्टिकल 15 है डेमोक्रेसी में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोविएट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ये आर्टिकल 15 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, चाहे वो किसी भी ग्राउंड पे हो, रिलीजन पे हो, कास्ट पे हो, सेक्स पे हो या प्लेस ऑफ बर्थ पे हो, इन सभी को प्रोविएट करता है, मना करता है कि इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है. आर्टिकल 15 ये कहता है. पहला, उसमें टू वेज गिवन है कि कैसे प्रोटेक्ट्स द एड्रेस टू द इनइक्वालिटी. द टू वे इन विच दिस आर्टिकल एड्रेस इनइक्वालिटी, दो वे जो है जो अनइक्वालिटी को एड्रेस कर रहा है. नंबर वन, इट सजेस्ट दैट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ any of religion, not only, actually is any. Any of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of कोई भी religion, or place of birth. कितना कि सभी जाए not to discriminate against any citizen. किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि वे किसी एक रिलीजन का है, कास्ट का है, इस सेक्स है या फिर प्लेस ऑफ बर्थ है, इनके ग्राउंड पे किसी भी सिटीजन के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है. नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्राउंड एनी ऑफ रिलीजन. किसी भी सिटीजन को चाहे उसकी डिसेबिलिटी अयोग्यता करार दी जाए, लायबिलिटीज या फिर रिस्ट्रिक्शन को मना किया जाए किसी भी चीज को लेकर, यानी भेदभाव किया जाए कि उसका रिलीजन क्या है, रेस क्या है, कास्ट क्या है, सेक्स क्या है या प्लेस ऑफ बर्थ क्या है,
Okay, so up to here I am giving you two question and answer. Remaining question answer we meet in the next class or next video. Thank you. Have a nice day.